नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूँ प्रीति सिंह। भारत में विज्ञान विषयों में छात्राओं की दिलचस्पी बढ़ रही है और अब स्थिति ये हो गई है कि यहाँ साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स यानी स्टेम विषयों में महिला ग्रेजुएट्स की संख्या ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय तकनीकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थानों में छात्राओं की बढ़ती तादाद भी इसका सबूत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है कि स्टेम में जहां छात्राओं की तादाद लगातार बढ़ रही है, वहीं छात्रों की संख्या में गिरावट आ रही है। स्टेम विषयों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर पर कम है, लेकिन अब उत्साहजनक खबर यही है कि स्टेम विषयों में भारतीय महिला स्नातकों की भागीदारी वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। शिक्षा मंत्री ने ये जानकारी लोकसभा में दी और साथ ही उन्होंने बताया कि विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित जेंडर सांख्यिकी डेटा बैंक का हवाला दिया और कहा कि स्टेम विषयों में विकसित देश जैसे अमेरिका की भागीदारी 34%, यूके की 38%, जर्मनी की 27% और फ्रांस की 32% भागीदारी की तुलना में महिला स्नातकों की भागीदारी में भारत में ये सबसे ज़्यादा 43% है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताया है कि अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण यानी AISHE 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार स्टेम विषयों में 40,71,533 महिलाओं के नामांकन की तुलना में जो नामांकित पुरुष हैं उनकी संख्या 53,52,258 है। यानी आंकड़े लगातार भारत में स्टेम विषयों में छात्राओं की बढ़ती रुचि की तरफ इशारा कर रहे हैं। देश देशांतर में आज बात विज्ञान की पढ़ाई को लेकर भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की, साथ ही इस क्षेत्र की चुनौतियों और आगे की दिशा पर भी आज हम चर्चा में बात करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर रंजना अग्रवाल, डायरेक्टर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। साथ ही मेरे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर निशा मेंदिरत्ता, हेड विमेन साइंटिस्ट प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर रंजना अग्रवाल, आपसे शुरुआत करूंगी। एक तरह से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स और इसकी पढ़ाई और इसके पेशों को अगर देखें तो लड़कियों की तादाद लड़कों के मुकाबले माना जाता रहा है कि कम होती है, और ये भी माना जाता रहा है कि लड़कियों की जो रुचि है उनका इंटरेस्ट ही इस तरफ पढ़ाई में नहीं होता, इन सब्जेक्ट्स की तरफ। लेकिन आंकड़े कुछ अलग बयां कर रहे हैं, भारत में स्थिति बदल रही है। आपकी नज़र में क्या बड़ी बातें हैं स्टेम विषयों की पढ़ाई और छात्राओं की भागीदारी को लेकर? प्रीति जी, आज हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज की चर्चा हम एक बहुत पॉजिटिव नोट से शुरू कर रहे हैं, जो हमें दर्शाता है कि भारत में वैज्ञानिक जो महिलाएं हैं वो विश्व में सबसे अग्रणीय हैं अगर हम स्नातक स्तर की बात करते हैं। जनरली ये माना जाता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि पाश्चात्य समाज में है, परंतु मुझे ये लगता है ये जो आज के आंकड़े हैं ये इसको झुठलाते हैं और ये दिखाते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि लड़कियों की रुचि साइंस में नहीं होती है, इसके ऊपर मैं थोड़ा कमेंट करना चाहूंगी। ये जो माइंडसेट है जो हमारी बच्चियों के दिमाग में जब वो स्कूल की शिक्षा कर रही होती है, इवन प्राइमरी एजुकेशन, वहीं से माता पिता द्वारा, स्कूल के शिक्षकों द्वारा, समाज के द्वारा उनके मन में ये डाल दिया जाता है कि जो विज्ञान की शिक्षा है, जो मैथमेटिक्स है, वो आपके लायक नहीं है क्योंकि जो लड़कियों का ब्रेन है उस तरह से ट्यून्ड नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है जिसमें बहुत स्तर पे कार्य हुए हैं, वो स्टीरियोटाइप तोड़ने में मुझे लगता है कि हम कामयाब रहे हैं। और हमने लड़कियों के मन से ये भाव कि शिक्षा अगर आपको विज्ञान के क्षेत्र में लेनी है तो ये सिर्फ लड़कों का या पुरुषों का ही डोमेन है, उसको हम दूर करने में सफल हुए हैं। और उसी का एक परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत सी बच्चियां, चाहे वो ग्रामीण अंचल से हो चाहे वो शहरी अंचल से हो, सबके मन में एक बात जरूर है कि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। और आज के समय में विज्ञान एक ऐसा टूल है जो आपको आगे प्रगति, विकास की जब हम बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, तो विज्ञान एक टूल है। तो मुझे लगता है ये जो सोच आ गई है उसका एक हमको ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि महिलाएं, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई कर रही हैं। बिल्कुल,
धन्यवाद डॉक्टर निशा। जो ये आंकड़े हैं इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि हाल के दशकों तक हमने देखा शिक्षा को लेकर और खासकर लड़कियों की शिक्षा को लेकर स्थिति हमारे देश में थोड़ी चिंताजनक रही थी, लेकिन अब इस तरह के आंकड़े सामने आना, पढ़ाई को लेकर खासकर लड़कियों की रुचि स्टेम विषयों में उसमें उत्साहजनक आंकड़े दिखना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है पहले इस पर? धन्यवाद। मैं भी रंजना जी को का साथ देना चाहूंगी कि हमारे देश में बच्चियों की, गर्ल्स वुमेन साइंटिस्ट की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। ये तो हम काफी सालों से देखते आए हैं कि स्कूल के स्तर पर, ये मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब हमारा रिजल्ट आता है सीबीएसई का, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन ही होती है कि लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू बॉयज। ये तो हम काफी सालों से देखते आ ही रहे हैं, लेकिन अभी के आंकड़े जो आपने हमें बताए हैं, जो आपने हमारे साथ साझा किए हैं, उसमें भी ये बात बहुत ही मुख्य रूप से जाहिर हुई है कि हमारा कंट्री में सबसे ज्यादा जो परसेंटेज देखा गया जो स्कूल के लेवल पे गर्ल्स का 43% आपने बताया, और विच इज जो कि बहुत सी डेवलप कंट्रीज से बहुत ही बेहतर है। अगर यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस में हमने देखा तो उनका ये जो रेंज आ रहा है 32-34% के बीच में है, और जबकि भारत 43% स्तर दिखा रहा है। लेकिन कहाँ पे आगे प्रॉब्लम आ रही है, विषय क्या है जो हमारे को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि वैज्ञानिक स्तर पे, ग्रेजुएट लेवल पे, स्कूल लेवल पे गर्ल्स बहुत उत्सुक हैं स्टेम फील्ड में आने में। ठीक है, अगर हम आंकड़ा देखें तो 53% है ग्रेजुएट लेवल पे जो हमारी गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, वो स्नातक बनती हैं। अगर हम फिर मास्टर डिग्री में जाते हैं तो फिर ये मोर ऑर लेस सेम ही है, 53% तक का आंकड़ा बता रहा है। उसके आगे अब अगर हम जाते हैं पीएचडी में गर्ल्स का आंकड़ा थोड़ा सा नीचे जाता है, पर फिर भी वो काफी बेहतर है, 43% दिखाता है। आगे जब हम देखें तो फीमेल रिसर्च वर्क फोर्स की अगर हम बात करते हैं, एसएनटी वर्क फोर्स की, वहां पे एकदम से बहुत ज्यादा स्तर नीचे जा रहा है, वो 28% दिखाता है आज के समय में। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जब बच्चियां अपने इनिशियल फेज में बहुत उत्सुक हैं स्टेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो चाह रही हैं, वो उसका पोटेंशियल समझ रही हैं, और अभी का अगर देखें जो हमारा अनुभव ग्लोबल स्तर पे ये कहता है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ती जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जॉब्स का स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, और ये हम सब जानते हैं कि जो वुमेन है दे मोर ऑर लेस ये आधा परसेंट 50% ऑक्यूपाई करती हैं वर्कफोर्स को, तो वहां पे एक जरूरत महसूस हो रही है कि हमें अपनी वुमेन साइंटिस्ट को, महिलाओं को इस क्षेत्र में बखूबी लाने की जरूरत है, स्ट्रांगली लाने की जरूरत है, जिसमें वो भी भागीदार हो देश की विकास में। अभी एक और दिशा में और बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 ये डिफाइन हुआ है, और उसमें एक बहुत ही बड़ा मुद्दा महिलाओं से जुड़ा है, जहां महिलाओं की इक्वल बराबरी का भागीदारी वर्कफोर्स में और देश के विकास में उनका अग्रसर होकर सबके साथ में काम करना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो कि हमें डेवलप नेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल्स में भी ये बातें कही जा रही हैं। और मुझे लगता है कि महिलाएं जो कि एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है वर्कफोर्स का हर देश का, और उनको भी एक हमें बेहतर देना है, मुकाम देना है, उनको बेहतर चांस देना है, जिससे कि वो अग्रसर हो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपना हिस्सा बांटने के लिए। और यहाँ पे मेरे को बहुत खुशी है बताने में कि हमारे देश में ऐसे बहुत से महान वुमेन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। अगर हम शुरुआत से देखें तो ये लीलावती जी के समय से लेकर अभी अगर हम चंद्रयान की बात करते हैं और अपने स्पेस के इन्वेंशन की बात करते हैं, तो महिलाओं ने बहुत बड़ी बागडोर संभाली हुई है। तो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा एक ना ही जिम्मा है पर उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वो बहुत से काम कर रही है जिसमें महिलाओं को एक ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे ना तो सिर्फ वो
लर्न करें, एक लर्निंग के लिए और साथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये दोनों काम हम बहुत ही एक्टिवली कर रहे हैं अपने। ठीक है, ठीक है डॉक्टर निशा, आपने साथ ही साथ अपने पहले रिमार्क में ही आपने चैलेंजेस की भी बात की है, जाहिर तौर पर आगे मैं तमाम चुनौतियों की बात करूंगी, क्या दिशा होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो और बेहतर दिशा की ओर हमें ले जा सकती हैं, उन पर मैं बात करूंगी। लेकिन डॉक्टर रंजना अग्रवाल, पहले मैं आपसे थोड़ा सा कारण भी समझना चाहूंगी। जब हम विकसित देशों की बात कर रहे हैं, उनके आंकड़ों से कहीं ज़्यादा अगर भारत के आंकड़े हैं और जो STEM विषय हैं उसमें छात्राओं की भागीदारी भारत में काफ़ी ज़्यादा है, रुचि उनकी ज़्यादा है, इसके पीछे कई कारण भी होंगे, आपकी नजर में क्या बड़ी वजहें हैं जो ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं उत्साहजनक? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक कारण नहीं है, इसके पीछे एक कलेक्टिव एफर्ट है, सामूहिक प्रयास है, ठीक है, जिनको आप स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी कह सकते हैं और पर्सनल फैक्टर्स भी कह सकते हैं। अभी अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चरल फैक्टर की बात करें तो मुझे लगता है अगर हम अपने आसपास देखें तो शिक्षा का जिस तरह से विकास हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लड़कियों के लिए कॉलेज खोले गए हैं, अदरवाइज हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेरेंट्स अपने बच्चों को जहां तक स्कूल की शिक्षा अवेलेबल होती है उसी गांव में वहां तक पढ़ाते हैं, उसके बाद वो बच्चियों को चाहते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि एनवायरमेंट भी सेफ नहीं लगता है तो वो उनको घर में रखना चाहते हैं। परंतु ये जो योजनाएं बनी हैं और हम शिक्षा को हायर एजुकेशन को भी गांवों में लेके गए हैं, मुझे लगता है इसने बहुत से दरवाजे खोले हैं कि लड़कियां भी हायर एजुकेशन में को ले सके। पहले जनरली ये रहता था कि लड़कियां उसके बाद आर्ट्स लेना प्रेफर करती थी क्योंकि कॉलेज होते थे उनके पास में, तो ये स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि पॉलिसीज भी बहुत अच्छी रही हैं हमारी, जिसमें लड़कियों को फोकस करके DST में ही निशा जी हमारे साथ हैं और वो जिस डिवीजन को लीड भी कर रही हैं वो भी विस्तार से भी बताएंगी। तो ऐसी बहुत सी स्कीम्स शुरू हुई हैं स्कूल लेवल से लेके हायर एजुकेशन और इवन प्रोफेशनल लेवल पे भी, पोस्ट एजुकेशन भी, कि जहां पे महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कल्चरल फैक्टर में अगर आप देखें, जिस माइंडसेट की मैंने बात की थी, स्टीरियोटाइपिंग की मैंने बात की थी, तो हमारा शुरू से कल्चरल एस्पेक्ट यही रहा कि महिलाओं को पढ़ने लिखने के बाद नौकरी तो क्या करनी है, उनको घर में रहना है, चूल्हा चौका संभालना है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्चरिंग है। और लड़कों को हमने ये रोल दिया कि आपको उनका जो रोल डिफाइनिंग है, जिसको हम कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट, वो हमने उस तरह से किया कि हमने उन दोनों के रोल डिवाइड कर दिए थे, तो उसकी वजह से भी लड़कियों को साइंस लेने में बहुत ज्यादा रुचि थी भी नहीं और पेरेंट्स भी उसको एनकरेज नहीं कर रहे थे। लेकिन आज आप देखें कि कितना समाज बदल रहा है। हर माँ बाप चाहता है कि बेटी की शादी जब वो करें तो बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। तो कल्चरली लोग जो चीजों को, जो चेंज हो रहा है उसको बदल रहे हैं। हमारे जो फैमिली में जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला के ऊपर आती थी घर को देखना, अब उसमें परिवार के बाकी लोग भी भागीदारी उसमें दे रहे हैं और महिलाओं को जो अचीवमेंट्स हैं उनकी, उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो ये भी हमारे कल्चरल फैक्टर्स हैं जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और फिर पर्सनल फैक्टर्स, पर्सनल में मैं अगर हम शुरू करें इंडिपेंडेंस पीरियड से, जहां पे बच्चियों ने अपनी माताओं को, अपनी दादी को, नानी को, मौसी को, सबको घर में ही काम करते हुए देखा था, तो वो उसी तरह से बड़े हो रहे थे। पर जैसे जैसे एजुकेशन आई, शिक्षा आई, महिलाओं ने काम करना शुरू किया, तो एक जो चेंज ऑफ रोल है वो भी लड़कियों ने आत्मसात करना शुरू किया। उनके पास रोल मॉडल्स नहीं थे पहले जिनको देख के वो इंस्पिरेशन डिराइव करें, लेकिन अभी लड़कियों के लिए रोल मॉडल्स आने लगे कि हमको भी ऐसा बनना है। और लड़कियों का अपने बारे में विचार, अपनी क्षमताओं को पहचानने की शक्ति, तो पर्सनल लेवल पे भी चेंज आया है। तो मुझे लगता है ये जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि हमारा जो तंत्र हमको सहयोग कर रहा है, हमारी संस्कृति जो है हमको सहयोग कर रही है और हमारा व्यक्तिगत विचार जो है वो हमको मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, मुझे लगता है इन तीनों ने मिलके एक सोशल चेंज लेके आया है
और हम सोसाइटी में उसको देख रहे हैं कि बहुत सी लड़कियां अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही हैं, और सिर्फ बढ़ा ही नहीं रही है, वो उसमें बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त कर रही हैं और अब नए नए पायदान चढ़ रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर निशा, साथ साथ में कुछ आंकड़े भी बता दूं जो और उत्साहजनक हैं, और तमाम ऐसी छात्राएं भी हमारा ये कार्यक्रम देख रही होंगी जो हो सकता है STEM इन्हीं विषयों में आगे जाना चाह रही हूँ। डॉक्टर ईशा, अगर मैं देखूँ कुछ आंकड़े, तो कुछ प्रतिष्ठित जो संस्थान हैं उनके आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो IIM कोझिकोड है, इस साल PhD में प्रवेश लेने वाले छात्रों में 53%, यानी आधे से ज़्यादा महिलाएँ हैं। MBA में उनकी तादाद 39% है। IIM अहमदाबाद में अब की बार छात्राओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले 6% बढ़ी है, 28% तक पहुंच गई। IIM रोहतक ने 2021 से 2023 का जो बैच है 69% छात्राओं के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी ये तमाम आंकड़े हैं जो अच्छा संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा जब शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है लोकसभा में, उन्होंने इस दौरान हमें कई योजनाओं के बारे में भी अपने बात में बताया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के प्रमुख संस्थानों में 3 से 6 महीने की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आधारित अनुसंधान का अवसर प्रदान करने के लिए STEM विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में महिलाओं के लिए INDO-US फेलोशिप की शुरुआत की गई। साथ ही आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त किए जा रहे हैं। जो नवाचार है महिला विश्वविद्यालयों में, नवाचार और उत्कृष्टता के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुसंधान समेकन क्यूरी, इसके अलावा तमाम और चीज़ें हैं ताकि जो शोध अनुसंधान है उनकी गतिविधियों में आगे आए। इसके अलावा जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन गति नाम का कार्यक्रम शुरू करना, 9 से 12 कक्षा की मेधावी छात्राओं के लिए नया कार्यक्रम विज्ञान ज्योति शुरू किया गया। मैं ये समझना चाहूँगी कि इस तरह की जो पहल और योजनाएं हैं, क्या आपको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं बड़ी मदद कर रही हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि महिलाओं की भागीदारी अब बिल्कुल दिख रही है और हर लेवल पे दिख रही है। स्कूल से शिक्षा से लेकर इवन वर्किंग उस कल्चर में भी महिलाएं काफी आगे आ रही हैं, और हमारी पॉलिसीज, हमारी योजनाएं भी उसमें बहुत उनका बल बढ़ा रही है। रंजना जी ने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो सोशल कंसर्न्स हैं हमारे देश में, जो कंस्ट्रेंट्स मैं कहूंगी, जो चैलेंजेस थे जिसके कारण लड़कियां आगे नहीं बढ़ती थी STEM में आने के लिए, वो अब कहीं ना कहीं उनका मार्ग खुल रहा है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में, आपने डेटा बहुत अच्छा ये हमारे साथ शेयर किया जी, जिसमें आपने IIM और बहुत से बड़े अनुसंधानों का लेटेस्ट आपने अभी का डेटा हमें बताया। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स का देखेंगे, IITs का, तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी 8 से 10% ही सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स आपको मिलेंगी वहां पे। तो अभी भी जरूरत है कि हमें बहुत कुछ लेकर, बदलाव लेकर आना है, बहुत कुछ हमें एनकरेज करना है और बहुत सी योजनाओं को हमें साझा करना है, बिकॉज लीकी पाइपलाइन तो दिख ही रही है साइंस और टेक्नोलॉजी और वुमेन के फील्ड में। जहां तक आपने ये कहा, मैं कुछ यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहूंगी। कुछ जो कार्य और कुछ योजनाएं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने शुरुआत करी, और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो एक जिस स्तर पे हमने अपने प्रोग्राम शुरुआत किए, वो हमने 2004, वो एक साल था जब हम लोगों ने सोचा कि महिलाओं के लिए हमें डेडिकेटेड प्रोग्राम्स बनाने हैं और हमें उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। तब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, एक हमने ये स्कीम लॉन्च करी थी। उस समय हमारे जो एक टारगेट बेनिफिशियरीज थे, वो वुमेन साइंटिस्ट थी जिनका ब्रेक इन कैरियर सर्विस में हो चुका, किसी भी वजह से। जो वुमेन साइंटिस्ट हैं, जो मैंने अभी बताया लीकी पाइपलाइन, जिसके कारण वो बहुत बेहतर साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, पर वो किसी भी कारणवश, किसी भी सामाजिक कारणवश और पर्सनल कारणवश वो अपना कैरियर आगे नहीं बढ़ा पाई, तो हमने उनको एक ही मौका दिया जिस स्ट्रीम में 25 साल से लेके 57 ईयर्स तक की महिलाएं वो अपना एक्टिव साइंटिफिक कैरियर को परस्यू कर सकती थी 3 साल तक के लिए। तो इस स्कीम में 3 हमने वो रखे जो दिशाएं थी। पहला था बेसिक साइंस,
दूसरा था वॉस बी सोसाइटल एंड वॉस बी जो कि है आईपीआर रिलेटेड इश्यूज के लिए. और यहाँ मुझे बहुत खुशी है बताने में कि तब से लेके अब तक 5000 से ज्यादा महिलाएं इस योजना का फायदा उठा चुकी हैं और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ से एक ट्रेनिंग लेकर वॉसी के अंदर खासकर बहुत सी कंपनियों में वो अब कार्यरत भी हैं. तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि मैं मानूंगी हमारे प्रोग्राम का. और उसके अलावा हमने हर स्तर में गर्ल्स का, छोटी बच्चियों का और वुमेन साइंटिस्ट का और इवन इंस्टीट्यूशंस की रिक्वायरमेंट के इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी हमें वुमेन इक्विटी और एम्पावरमेंट का ध्यान रखना है जिससे कि इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं. अब क्योंकि कुछ ही मिनट बचे हैं डॉक्टर निशा मेहंदीरता, मैं क्लोजिंग कमेंट्स आपसे भी चाहूंगी और चैलेंजेस को लेकर ही मैं बात करना चाहूंगी कि जब हम जॉब पर स्टेम एरियाज में जॉब पर आते हैं तो 14% हिस्सेदारी रह जाती है और उसमें से भी अगर हम देखें जब प्रदर्शन के आकलन का एक तरह से समय आता है तो भी कहीं ना कहीं ये बात सामने आई है, तमाम आंकड़े ये कहते हैं कि इसमें भी महिला और पुरुषों में भेदभाव किया जाता है जब प्रदर्शन के आकलन का समय आता है. तो ये इसके पीछे आपके नज़र में क्या बड़ी वजह है? तमाम बातें हैं जो अभी डॉक्टर रंजना ने उठाई हैं, लेकिन और क्या कदम हैं जो इस दिशा में आगे और बेहतरी के लिए उठाए जा सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे ये कंपैरिजन आता है वहाँ पे गर्ल्स का थोड़ा सा नीचा स्तर हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है. और बहुत से उसकी वजहें हैं, बहुत सी वजह है जिसके कारण गर्ल्स कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिव भी महसूस करती हैं स्टेम के क्षेत्र में आने के लिए. और उसके बहुत सी वजहें हैं जो अभी रंजना जी ने भी बताई, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी वजह बताना चाहूंगी यहाँ पे. ठीक है. कि जो एक शुरुआत से ही एक हम लोगों ने इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया है एक गर्ल चाइल्ड के अराउंड कि आप एक लड़की हैं, एक स्टीरियोटाइप जो एक हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है एक एनवायरमेंट एक लड़की के आसपास में कि ये आपके लिए नहीं है. तो सोशल और कल्चरल बायसेस जितने भी क्रिएटेड हैं, चाहे वो सोसाइटी ने क्रिएट किए, चाहे उनके स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे ये क्रिएट हुआ कि ये आपके लिए नहीं है, ये बॉयज के लिए है ये फील्ड, आप फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप फील्ड में जा पाएंगी, ये सब काम कर पाएंगी, लेट आवर्स तक वर्क कर पाएंगी. ये उनकी लाइफ का पहला स्टेज है व्हेन दे आर स्टूडेंट, जब तक वो अपने घर में है, अपने मैटरनल हाउस में है. फिर उनकी लाइफ का दूसरा फेज शुरू होता है जब वो मैरिज फेज में आती है. वहां पे अलग तरह की कंस्ट्रेन है, उनकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स और जो एक फ्रेजाइल उनका एक बॉडी सिस्टम वो भी एक सामने आता है, वो भी कहीं ना कहीं उनके कैरियर को एक वो देता है, एक रोक लगाता है उसपे. तो ये तो कुछ बैरियर्स हैं जो सोशल और कल्चरल हैं. फिर इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स अगर देखें, जहाँ पे एक महिला जाती है काम करने के लिए वहां पे इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स बहुत हैं. उनको वर्क एनवायरमेंट कंजीनियल मिलना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए वर्क और होम के काम के बीच में, उनको प्रोफेशनल रिसोर्सेज मिलने चाहिए जहाँ पे वो काम कर रही है. उनको हर तरह का, देखिए अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो क्रचेस होना चाहिए सो दैट वो बड़ा कंफर्टेबली वहां काम कर सके, पूरा वो एक बैलेंस क्रिएट हो उनकी लाइफ में. और एक और जो बहुत बड़ी एक चीज वजह नजर आती है कि उनको एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए उनके काम पे, जो वो काम कर रही है रिकग्निशन मिलना चाहिए उनको हर लेवल पे. और उसके साथ ही एक और जो हमारा सर्वे ने हमें बताया कि उनको एक जो पे पैकेज भी कहीं कहीं देखा गया है कि इट इज नॉट एट पार कहीं पे ऐसा भी है. तो ये क्यों महिला हो तो बराबरी का दर्जा क्यों नहीं मिलता हर तरीके से? बहुत से चैलेंजेस उनके कैरियर चॉइस में आते हैं, टाइम मैनेजमेंट आता है, हेल्थ इश्यूज हैं. तो यहाँ मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगी, मैं बोलूंगी कि जो हमें उन्हें अनेबलिंग एनवायरमेंट देने की जरूरत है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, और जिसमें मैं बोलना चाहूंगी 4S. तो 4S का मीनिंग है, फर्स्ट एस इज सिस्टम, then society, support, itself. Self is very important for a woman. बिल्कुल. They should know their worth. और यहाँ system की बात आती है, policy और government. ठीक है. ये दोनों बहुत बड़े एक force हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए और जो बहुत बेहतरी से काम कर रही है. आज के दिन में हमारी government ने बहुत सी policies बनाई है और एक मैं कहना चाहूंगी कि अभी एक न्यू पॉलिसी आ रही है, STEM पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, जिसमें एक पूरा का पूरा ट्रैक ही वुमेन जेंडर
एस्पेक्ट पे रखा गया है। बिल्कुल, ये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया है कि वुमेन की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। और मैं चाहूंगी कि आप भी इसको पढ़ें, उसमें चैप्टर 7 है जेंडर के ऊपर, जिसमें ब्रॉडली बोला गया है कि 30% भागीदारी वुमेन की एक सीनियर लीडरशिप पोजीशन में हर इंस्टीट्यूशन में जरूरी है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल डॉक्टर निशा, बिल्कुल ये पॉइंट भी आपने क्लियर कर दिया है। डॉक्टर निशा, जो 4S आप बता रही थी, मैं चाहूंगी उनको आप पूरा करें। हाँ जरूर, तो पहला मैंने बोला कि 4S में सिस्टम बहुत जरूरी है किसी भी दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, एक इंडिविजुअल को भी और एक इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, यहाँ क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि वुमेन ड्रिवन हो। गवर्नमेंट को ऐसा उनको मार्गदर्शन देना है, उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं देनी है जो हम कर रहे हैं। सिस्टम इज वर्किंग वेरी स्ट्रांगली इन दैट। उसके बाद आता है दूसरा ऐसा सोसाइटी। सोसाइटी में कल्चरल इश्यूज और स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप जिसके बारे में आप दोनों ने बताया, जी जी, तो ये बहुत सेकंड इज। ठीक है, थर्ड इज मैं कहूंगी सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में बराबर की भागीदारी है परिवार की और आपके वर्क प्लेस की। ठीक है, वर्क प्लेस भी उतना इम्पोर्टेंट है कि आपको उतनी आपको क्षमता से काम करने का मौका दे। बिल्कुल, आपको इज्जत से काम करने का मौका दे और आपको एक ऑनर मिलना है कि आप उस ओहदे पे काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो ये सपोर्ट सिस्टम होता है फॉर फैमिली एंड वर्क। और जो सबसे मुख्य है इसमें मेरे हिसाब से सेल्फ में आता है वुमेन का परसेप्शन और परसेवरेंस। जब तक एक महिला में ये परसेप्शन नहीं है कि वो कुछ कर पाए, उसमें वो काबिलियत है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये आपके 4S में ये सबसे ऊपर ये पॉइंट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा, माफ कीजिएगा आपको यहीं रोकना होगा, आपने सारी बातें क्लियर कर दी है। उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी सब साफ साफ समझ में आ गया होगा। डॉक्टर रंजना अग्रवाल आपका, डॉक्टर निशा मेदिरत्ता, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अगर देखें तो 60 के दशक में विज्ञान में ज्यादातर विषयों में महिलाओं की गैर हाजिरी को अगर ध्यान में रखा जाए और अब मौजूदा स्थिति तक जो हम पहुंचे हैं, ये अपने आप में एक सराहनीय स्थिति है, सराहनीय कदम है। लेकिन विज्ञान विषयों में लड़कियों की बढ़ती रुचि के पीछे कहीं ना कहीं करियर अच्छा बने, नौकरी पाने की जो संभावना है उसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और समाज के दूसरे हिस्सों की तरह शिक्षा और रोजगार में लैंगिक भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए सामाजिक जागरूकता और जिस तरह से 4S के जरिए हमें हमारे मेहमानों ने समझाने की कोशिश की, उन सभी पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जो स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं उन्हें फिलहाल दूर करने की जरूरत है ताकि जो शिक्षा के स्तर से आगे बढ़कर जब हम उच्च शिक्षा और रिसर्च और आगे करियर और जॉब्स की तरफ महिला स्टेम विषयों को लेकर जाती हैं तो वहाँ जो असमानता है उसे भी दूर किया जाए ताकि जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है वो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम आगे इस्तेमाल कर सकें। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल देश देशांतर में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।